हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी स्नेहगुरु में। दोस्तों, यदि आप लोग एक स्टूडेंट हो या आप लोग कहीं काम करते हो या आप लोग किसी प्रकार के एम्प्लॉय हो तो आपके भी पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनकी जरूरत आप लोगों को रोजाना कहीं ना कहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि हम अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को डेली साथ में लेके तो चल नहीं सकते हैं, कैसे पॉकेट में ले सकते हैं। हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है, इतना तो हम साथ में लेके चलते हैं, लेकिन भैया बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमारी मार्कशीट वगैरह हो जाती हैं, और हमारे जैसे कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, RC वगैरह, बीमा वगैरह हो जाता है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम भैया पास में हमेशा लेके नहीं चल सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल आप लोग जानते हो ऑनलाइन का जमाना है, और ऑनलाइन इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला ये हूँ कि आप लोग कैसे एक एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करोगे, और वो जो एप्लीकेशन है भारत सरकार के द्वारा सर्टिफाइड है, उस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट को वहाँ अपलोड करके रखोगे, सेव करके रखोगे, डाउनलोड करके रखोगे। और बहुत अच्छी बात तो ये है दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि मान लीजिए आपको किसी ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, आप उनको जब अपना DL की फोटोकॉपी, RC की फोटोकॉपी या बीमा फोटोकॉपी दिखाते हो तो मना कर देते हैं, कहते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन यदि आप लोग इस एप्लीकेशन को खोल के उसको उस ट्रैफिक पुलिस को दिखाओगे या किसी भी अच्छी जगह पे, सरकारी जगह पे आप लोग उस एप्लीकेशन के अंदर की जो डॉक्यूमेंट है उसको दिखाओगे तो तुरंत मान जाएगा, वो कहेगा हाँ भैया ओरिजिनल है, वो यह नहीं कहेगा कि ये लोकल है, हम इसे नहीं मानेंगे, वो भी भैया तुरंत उसे मान लेगा। दोस्तों, बहुत ज्यादा सस्पेंस हो गया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उस एप्लीकेशन का नाम है DigiLocker। जी हाँ दोस्तों, आप लोग DigiLocker के बारे में सुने तो बहुत बार होंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो कि यूज करना चाहते होंगे। मैं ये नहीं कहता कोई जानता नहीं इसके बारे में, सिर्फ मैं जानता हूँ, इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ, आप ना जानते हो तो आप लोग सीख लीजिए। दोस्तों, इसको कैसे इस्तेमाल करोगे, इसके अंदर कैसे अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का बीमा, गाड़ी की RC और बहुत सारे आपकी मार्कशीट वगैरह होती है, कैसे आप लोग इनको इसके अंदर रख सकते हो। दोस्तों, देर नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते मोबाइल स्क्रीन पर, वहां पे प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। तो चल चलते हैं दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे, आपको भी अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना होगा। उसके बाद भैया आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ओपन कर लेना होगा प्ले स्टोर एप्लीकेशन को। तो भैया मैंने सबसे पहले प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पे सर्च करना होगा DigiLocker। चलिए DigiLocker में सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे भैया जैसे DigiLocker मैंने सर्च कर दिया है, देख सकते हो ये कुछ एप्लीकेशन मेरे पास आ चुके हैं। यहाँ से अब आपको डाउट हो रहा होगा कि भैया कौन सा DigiLocker एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ दो एप्लीकेशन है। तो भैया यहाँ पे पहले नंबर पे जो है वही DigiLocker है, दूसरा वाला उमंग ऐप है। इसके अंदर भी भैया DigiLocker के फंक्शन पा जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए होगा DigiLocker। सिंपल सा इसको आपको टच करना होगा। जैसे इसे टच करोगे भैया तो आपको ये बोलेगा कि आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। भैया हमारे मोबाइल पे पहले से इंस्टॉल है, हमको सिर्फ और सिर्फ इसको ओपन करना होगा। ये मुझसे भैया अपडेट मांग रहा है, लेकिन मैं अपडेट करने वाला नहीं हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो DigiLocker, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे नेशनल ई गवर्नमेंट डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोड्यूस है। इसका मतलब ये काफ़ी अच्छा खासा एप्लीकेशन दोस्तों। इसके भैया हम आप लोगों को डाउनलोड्स दिखा देते हैं, कितने इसके डाउनलोड्स आप लोग देख सकते हो हैं 10 मिलियन प्लस, और इसको आप देख सकते हो 4.1 की रेटिंग भी मिली हुई है। चलिए अब मोबाइल स्क्रीन पर चलते इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है, क्योंकि भैया मैंने इसको पहले से लॉगिन कर रखा है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो भैया आपके सामने सिंपल से ये आपसे साइन अप करने को बोलेगा। साइन अप करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर डाल देना होगा, एक OTP आपके फोन में गिरेगी, सिंपल से उसी OTP को यहाँ फिल कर देना, बस आपके सामने भी ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम सचिन कुमार, जो मेरा नाम है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ DigiLocker इश्यूड डॉक्यूमेंट एट पर विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर IT Act 2000। आप लोग समझ सकते हो ये इंडियन गवर्नमेंट के जो एक्ट है, एक्ट 2000, उसके अंतर्गत ये एप्लीकेशन आता है, उसके अंतर्गत इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मान्य होते हैं दोस्तों। अब यहाँ से आप लोग को क्या करना होगा, जो भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाउनलोड कर, देख सकते हो यहाँ पे LIC की मान लीजिए आपकी कोई की है, पोस्ट ऑफिस की कोई है आप मान लीजिए, मतलब
कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे करना होगा। जैसे आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना, सिंपल से यहाँ आना होगा, आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे आना होगा, यहाँ पे भैया आधार कांस्टेंट, इसके बाद ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद सिंपल से आप लोगों को यहाँ सबसे पहले जानना होगा भैया ओटीपी, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चली गई होगी, देख सकते हो ओटीपी गिर चुकी है, मैं यहाँ पर अलाउ करता हूँ, ये ऑटोमेटिक ओटीपी ले लिया है। उसके बाद भैया ओटीपी नॉट वैलिड बता दिया, चलिए मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, क्या बोल रहा है ये 2789 16 2789 16, यहाँ पर चलिए मैं डाल देता हूँ, डाल भी दिया भैया मैंने, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। तो भैया मेरे मोबाइल पे ये जो मेरा आधार कार्ड है वो सिंपली यहाँ पे इशू हो चुका है। चलिए अब आपको कैसे देखना है कि इशू हुआ नहीं हुआ, उसके बाद आपको आना होगा यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट पे, इशू डॉक्यूमेंट पे आओगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आधार कार्ड मेरा पहले से इशू हुआ पड़ा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा आधार कार्ड आ चुका है भैया, यहाँ पे मेरा पूरा पता वगैरह आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा पूरा पता, उसके बाद लिखा हुआ है डिजी लॉकर वेरीफाइड, यानी कि डिजी लॉकर से वेरीफाइड मेरा आधार कार्ड है। इसको आप कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी भैया सरकारी कर्मचारी को या किसी भी पुलिस वाले को जहाँ पर भी आपकी भैया आइडेंटिटी दिखा नहीं हो वहां पे आप दे सकते हो, आपका ये बिल्कुल 100% मान्य होगा, क्योंकि भैया ये इंडियन एक्ट के तहत आता है। उसके बाद मैंने पैन कार्ड भी अपने यहाँ पर भैया वेरिफिकेशन करके रखा है, यानी कि इशू करके आप लोग देख सकते हो मेरा आयकर यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरा आयकर विभाग की तरफ से पैन कार्ड वेरिफिकेशन रिकार्ड भी आ चुका है, देख सकते हो मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर भी आ चुका है, उसके बाद भैया मेरा नाम पूरा डेट ऑफ बर्थ होगा जो भी है यहाँ पे आ चुका है, वेरिफिकेशन ऑन का हुआ मैंने इसको बनवाया तो वो भी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटली साइंड, आप मतलब डिजिटली साइन भी बनी हुई है, आप इस बार कोड को स्कैन करो तो आप सब पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है भैया देख सकते हो डिजी लॉकर वेरीफाइड, यहाँ से आप ये सिंपल डाउनलोड कर सकते हो कि आपके गैलरी में चला जाएगा, गैलरी में चला जाएगा जैसे आप इसे प्रिंट करा के किसी भी सरकारी जगह पे दे सकते हो। उसके बाद मान लीजिए और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपको डाउनलोड करना होता है, यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आ जा सकते हो, सर्च पे ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, मान लीजिए आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई चाहिए या कुछ भी आपको चाहिए, आप इंश्योरेंस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट आपको चाहिए, आपके जो ITI वगैरह की मार्कशीट होती है, पॉलिटेक्निक की मार्कशीट वगैरह होती है, आपका कोविड का सर्टिफिकेट होगा, आपका जो भैया अभी बहुत सारे सर्टिफिकेट बन रहे थे भैया जैसे बेरोजगारी के उसके सर्टिफिकेट भी ले सकते हो आप लोग CCC के कंप्यूटर सर्टिफिकेट जितने होते आप ले सकते हो, आप अपना DL ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे इशू कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे आ गया व्हीकल टैक्स रिसिप्ट फिटनेस सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आप व्हीकल इंश्योरेंस, यहाँ से आप लोग सबसे पहले अपने व्हीकल की टैक्स रिसिप्ट भी रख सकते हो, फिटनेस सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप व्हीकल जो आपके गाड़ी का मेन कागज होता है रजिस्ट्रेशन RC उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, व्हीकल का इंश्योरेंस जो आप है उसको भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए व्हीकल टैक्स रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए इसको टच करोगे, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा आपको, अपने यहाँ पे पिता का नाम डालना होगा जो आपके वहाँ पर पड़ा हुआ, चेचिस नंबर आप बाइक का डाल दोगे अपने व्हीकल का वो हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, उसी तरह आपको आगे आने ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको सिर्फ अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना होगा, गेट डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। उसके तरह यहाँ पे आपको RC डाउनलोड करना होगा, RC डाउनलोड करने के लिए आपको अपनी गाड़ी का नंबर और चेचिस नंबर डालना होगा, बस वो ले लेगा, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो। व्हीकल इंश्योरेंस में भी आपको करना होगा, अपनी गाड़ी का नंबर, अपना जो आपके आधार कार्ड में पिताजी का नाम पड़ा हो वो डाल दीजिएगा, चेचिस नंबर डालकर गेट डॉक्यूमेंट करोगे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से भैया आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आप यहाँ से सिंपली भैया उसको यहाँ पे सर्च कर लीजिए, आप ऐसे सर्च कर ढूंढ सकते हो आपका जो भी HP का मान लीजिए भारत पेट्रोलियम इंडिया, जहां से भी आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए यहां पे आपको ऑल इन वन सब कुछ मिलेगा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आप लोग सिंपली आप लोग इसको आप इंस्टॉल करके आप यहां पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, देखिए होम इशूड डॉक्यूमेंट ड्राइव स्कैन QR कोड मतलब कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो, बहुत कुछ यहाँ पे दिया और जैसे आप इसे यूज कर सकते हो, सिंपल से आने के बाद इसे लॉग आउट कर सकते हो। तो भैया ये यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा और आप लोग देख सकते हो ये मेरा लॉग आउट हो चुका है। अब क्या करना होगा मुझे, मान लीजिए यहाँ पे मैं अपने अकाउंट पे आया हूँ तो सिंपल से मुझसे कहेगा आप इसे दोबारा से लॉगिन करिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार लॉगआउट करने के बाद दोबारा कैसे, ये देखो जब आप इसे पहली बार भैया डाउनलोड करोगे तो आपसे पहले ये आपको बोले क्रिएट अकाउंट, तो आप लोग इसे क्रिएट कर लेना, मेरा पहले से बना हुआ तो सिंपल से मैं भैया यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दूंगा और सिंपल से अपना यहाँ पे 6 डिजिट का जो मेरा पिन वगैरह है वो डाल दूंगा, यदि मुझे पिन नहीं पता है तो भैया मैं यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन करके साइनअप हो जाऊंगा। तो इस तरीके से भैया मैं कर सकता हूँ, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही आसान होता है, यूजर नेम से भी यहाँ आप कर सकते हो, मोबाइल नंबर आधार नंबर से भी कर सकते हो और ये सब कुछ आपका बहुत ज़्यादा मान्य होता है।